और ये है अपाचे RR 310। ना पूरे भैया लोग सीनियर्स लोग ऐसा भी ना ब्लॉग अपलोड करने के लिए मेरे पास 40 मिनट है यार, थोड़ा हैंडल वैंडल के कप में देने के लिए मूड खराब कर दिया है भाई। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप लोग मेरे आवाज में यार एकदम मतलब की कप कपाने वाला मेरा आवाज है, तो आप लोग सुन सकते हो मतलब मैं बिल्कुल भी ना मतलब कि एकदम अजीब ही मतलब अभी स्तर में हूँ। ब्लॉग एडिट हो चुका है, ब्लॉग अपलोड भी हो चुका है, मेरे को उसमें कुछ कुछ करना है, उसके बाद फिर मैं पब्लिश भी कर दूंगा। तो आज है गाइस, आज कौन सा तारीख है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। आज है गाइस 22 तारीख, 22 नवंबर, और अभी मेरे को जाना है कॉलेज। और सुबह ना बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, मैं तैयार हो चुका था, उड़ भी चुका था, बट ना क्या हुआ कि पानी चालू हो गया 9:30 से, तो फिर मैं निकल नहीं पाया। तो अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज, और पहले का तीनों क्लास जितना जो दो क्लास था ना मैं उसको ऑनलाइन अटेंड किया था, और अभी का जो क्लास चल रहा है मैं उसको नहीं कर रहा हूँ अटेंड, उसमें अटेंडेंस लग चुका है मेरा। तो गाइज अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा नाम है अमन, आप लोग देख रहे हो अमन कुमार व्लॉग्स। गाइज नहीं पता मेरे को क्या हो गया है, पिछले 3 दिन से मेरे को एकदम चक्कर, मतलब सर जहाँ घुमा रहा हूँ ना चक्कर आ रहा है, और अगर बेड में लेट रहा हूँ तो तब चक्कर आ रहा है मेरे को, और नहीं पता मैं एकदम मतलब बोलने में ना ऐसा क्यों हो रहा है नहीं पता, लेकिन अच्छा फील हो रहा है बट उतना ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है। गाइस चलो चलते हैं कॉलेज के लिए, और इसको पहनूं मैं क्योंकि आज ना बहुत ज्यादा ठंडी है। गाइस एंट्री मिल चुकी है, कुछ नहीं बोले, मतलब मेरे को लग रहा था कि ना आने नहीं देंगे अंदर, बोल देंगे, मेरे को लगा कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा कि बोल देंगे कि यहाँ से निकलो चलो यहाँ से, लेकिन ये नहीं है, ये अच्छा चीज है। रीजन भी हो सकता है कि आज बारिश गिरा तो उसके कारण, मेरा तो यही रीजन है कि बारिश गिरा इस कारण मैं नहीं आ पाया था, वरना तो मैं पहले ही आ जाता। ये स्टूडेंट्स व्हीकल पार्किंग पूरे गर्ल्स बॉयज का सेम ही है पूरा, शायद से मैं रुकूंगा, वेट करता हूँ गाइस रिसेस तक का। जैसे ही रिसेस होगा ना क्लास के पीरियड में जाने का मतलब नहीं है। 12:50 क्या पता। गाइस आज हमारा स्पेशल चाय आ गया फाइनली, आज पहली बार मैं कॉलेज का चाय पीऊंगा, और ये अंकुर मिल गया अपन को यहाँ पर, अपन जा रहे हैं अब आखिरी में, वहाँ पे अपन जा बैठ के लंच करेंगे। मैं तो घर से खा के आया हूँ इसलिए मैं चाय ले लिया, अब सेफ्टी लेके जाना है इसको। गाइस तो अभी मैं चाय पी रहा था, आर्यन को दिया, इसमें ना आधा किसी और के लिए निकाला, साला चाय गिर गया भाई, पूरा मेरा कपड़ा भी गीला हो गया, उसका पैंट भी गीला हो गया, मतलब उसका जींस गीला हो गया यार। क्या यार बोले यार, थोड़ा हैंडल वैंडल के कप में देने के लिए मूड खराब कर दिया भाई, तो चक्कर में आके देख रहे हो गाइस गीला हो गया। चलो छोड़ कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है अपन ये आधा आधा हिसाब कर लिए तो नसीब हो गया। तो गाइस अब इसको पियेंगे अपन और खुश रहेंगे इतने में। गाइस कॉलेज के चाय का रिव्यू देता हूँ, 10 रुपए की स्पेशल चाय। क्लास ब्रेक है क्या अभी? कैसा है? गाइस बहुत अच्छा चाय है ये, मेरे प्रेम में नहीं आ रहा होगा साला, बहुत हम भाई आ रहा है, मूड खराब हो गया यार पूरा, अभी हमारी गलती में नहीं आता है, फिर भी बताना हमारा काम है। दीदी दीदी एक्सक्यूज मी दीदी, वहाँ पे कोई चाय गिरा दिया, लेकिन वो चाय गिराने वाला मैं नहीं था, वहाँ पे कोई चाय गिराया देख लेना आप। गाइस वो चाय मैं नहीं गिराया हूँ, कोई और गिराया है, मेरे से नहीं गिरा चाय वो। तो गाइस ये ना कॉलेज का कैंपस का मतलब कि एकदम सामने वाला इलाका है, जहाँ पे फाउंटेन वाउंटेन है, और सब दोस्त लोग अभी अपन लोग यहीं पे बैठे और बात कर रहे हैं कि ना अपन क्या करेंगे आगे, आगे फ्यूचर अपन क्या करेंगे, पबजी खेलेंगे कि फ्री फायर खेलेंगे, यहाँ पे चर्चा हो रहा है। आंटी लोग बस काम करते हुए जा रहे हैं। गाइस कॉलेज का यही लाइफ है यार, मतलब यहाँ पे ना मस्ती करेंगे थोड़ा, वहाँ पे केक काट रहे थोड़ा, और वो भाई को मैं जानता हूँ, एक्चुअली भाई मेरे को जानते, तो फिर आज अपन हमारी बात हुई, तो भाई मेरे वीडियो देखते हैं। तू बस में आता है? नहीं आता भाई, वो बस में मतलब ऐसे ही बैठे थे अपन। तो गाइस आप लोगों को पता है जो जितना भी मैं रूंटा का कॉलेज का व्लॉग डाला हूँ ना, तो फिर ये भाई भी एक्चुअली में वो व्लॉग देखे थे हमारा। मैंने सारा वीडियो इसका देखा, और तब मुझे जाके मालूम चला कि ये विलन बंदा जो है ये रूंटा से पढ़ रहा, तो अच्छा लगा सारा, ये तो फोन पे हमको दिखा दिया सारा कॉलेज दिखा दिया, अब साथ में घूमेंगे, साथ में दोनों भाई घूमेंगे मस्ती करेंगे। बस गाइस यही है देख रहा हूँ, मतलब सोशल मीडिया का यही फायदा है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं अच्छा चीज कर रहा हूँ। आपको मालूम चला है कॉलेज के बारे में, पहले से मालूम चला है कि हाँ क्या चलने वाला, क्या हो रहा है, कहाँ पे है आपका कॉलेज का क्लास, कहाँ पे है, क्या कहाँ पे है, एडमिशन सेंटर कहाँ पे, सबको मालूम चल जाएगा आपके फोन पे। बस गाइस भाई ने बहुत हेल्प किया फोन से ही, थैंक यू सो मच। गाइस देख रहे हो ना मतलब सोशल मीडिया का इतना ज्यादा बेनिफिट है, और मेरे ब्लॉग का भी बेनिफिट है, और मेरे को गाइस यहाँ पे ना मतलब जानते हैं अच्छे खासे लोग, मतलब कि ब्लॉग देखते हैं ना तो सब आधे लोग तो ऐसे पहचानते हैं, और ये हमारा कॉलेज यार कितने ही एक जगह का दिखाते रहूंगा यार, सही है यार। भाई ने धांसू स्पीच दिया था और मैंने उस वीडियो पर लाइक किया था, बहुत अच्छे से शेयर भी किया था। गाइस अभी ना व्लॉग अपलोड करने के लिए मेरे पास 40 मिनट है, और थंबनेल टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग बिल्कुल भी नहीं डाला है, और अभी मैं उसी चीज को डालने वाला हूँ। कैंटीन में बैठूंगा और जूस भी पी लूंगा क्योंकि मेरे को जल्दी से व्लॉग अपलोड करना है। भाई मेरा अचानक से ध्यान गया, मैसेज में बात कर रहा था मैं नूपुर लोग से, उसके बाद फिर अचानक से ध्यान गया, तो फिर मैं सोचा व्लॉग अपलोड कर देता हूँ। कैंटीन है ये हमारा, यहाँ पे मैं चाय गिरा दिया था, दी फ्रूटी नहीं है, यस फ्रूटी खत्म हो गया यार, दी लीची दे दो एक। गाइस यहाँ पे ना सब सीनियर भैया और भैया लोग हैं यहाँ पर, और मैं सेवन अप ले लिया हूँ अपना,
देखता हूँ कहीं अच्छा जगह मिलेगा ना मतलब बैठने लायक, तो वहाँ पे बैठ कर कर सकता हूँ मैं। यहाँ पकड़ते हैं तो गाइज मैं ये दूसरा लिया क्योंकि पहले वाले का रीजन नहीं बता सकता मैं आप लोग को, फिर मैं वापस जा रहा हूँ अपने एरिया। गाइज व्लॉग अपलोड हो गया, अब मेरे को कोई भी लोड नहीं है, अब आराम से मैं पब्लिश कर दूंगा अपने टाइम पे, क्योंकि मेरा तो है ना पब्लिश करने वाला है, सीधा उसको कर दूंगा, उसके बाद फिर अपलोड भी हो जाएगा। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ एक्चुअली करूँगा, उसके बाद फिर निकलूंगा बी ब्लॉक में। यहाँ पे अपन का ऑडिटोरियम है, यहीं पे पूरा हो रहा है, और यहाँ पे ना पूरे भैया लोग हैं, सीनियर्स लोग हैं। सही है अपन अपना चल रहा है, क्या ही है, बस है क्या ही है गाइस, मेरा ब्लॉगर लोग का लाइफ यही रहता है पता है, कुछ भी हो आपको ब्लॉग अपलोड करना है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं चाय पीने के लिए, यहाँ पे आयुष नहीं पता क्या ले रहा, और हमारे साथ ये भी आज, लेकिन ये दिखेगी नहीं क्योंकि ये पहनी हुई है, मफलर पहनी है गाइस। यार मैं बहुत देसी लैंग्वेज यूज करता हूँ पता है, तो लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ा इंग्लिश बोलो, जैसे अभी मैं उसका गमछा बोला, लेकिन स्कार्फ बोलना चाहिए, मफलर बोलना चाहिए। और अंकुर बढ़िया भाई, अंकुर रितेश कुणाल इसका नाम है, क्या नाम रखे तेरे, नहीं नाम याद है मेरे को। गाइस यहाँ पे अपन छह लोग की चाय आ चुकी है। गाइस हमारी चाय को ना 5 मिनट भी नहीं लगा खत्म होने में, अपन का एक बात चला थोड़ा कॉन्वर्सेशन उसमें ही खत्म हो गया। अब अपन लोग सब निकल रहे हैं, फोटो लिया हूँ ना मैं तेरे को व्हाट्सएप में, अच्छा सेल्फी बात कर रहे हैं, सेल्फी हो जाएगी। तो गाइस आज भी मैं आया हूँ शोरूम में, आज शोरूम खुला है, अच्छा है कल संडे था ना तो बंद था, तो अभी देखते हैं बाइक जो मैं देख रहा हूँ एक्चुअली मैं लेने का प्लान कर रहा हूँ वो है कि नहीं यहाँ पर। ये है RTR अपाचे, जो लोग बोल रहे कि मैं ये ले रहा हूँ, तो गाइस मैं कुछ बोल नहीं सकता, सस्पेंस है भाई ये। अपाचे RTR 200V 4V है गाइस, क्या लग रही है यार बाइक, इसका मतलब लुक अलग है एकदम। और ये है 160, और जो मेरे को एक्चुअली में देखना था वो तो है नहीं, और ये मैं देख रहा हूँ अभी तो ये तो बहुत सही लग रही है, और वो है 310। गाइज ये है ग्रे कलर की RTR 160 का, तो प्राइस वाइस पूछ लूँगा मैं अभी एकदम कंफर्म कर लूँगा एक बार। और ये है अपाचे RR 3110, ओ भाई क्या ही लग रही है भाई ये बाइक। तो गाइस ये है मेरे पीछे शोरूम, और मैं देख लिया बाइक जो देखना था, अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे जगह क्योंकि मेरे को और जो दूसरा मॉडल देखना था ना वो यहाँ पर नहीं है। तो गाइस मैं घर तो आ चुका हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि ना आज आप लोगों को इसी ब्लॉग में मेरा एक्चुअल में मोटो ब्लॉगिंग का दिखा दूँ, जो एक्चुअली हेलमेट में मैं लगा के रखा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को दिखाऊं कि नहीं वो चीज, क्योंकि ना सोच रहा हूँ ये सस्पेंस ही रहने दूँ कैसे।